हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से धन्यवाद के साथ हम तेरे पास में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता तू, क्योंकि एक बार फिर से हमको सुबह की बेला में अवसर और मौका दिया प्रभु जी, बड़े भोर के तड़के प्रभु जी, इस कड़े कड़ाके की ठंड के मौसम पिता, हम सभी मसीह भाई पिता जब की तेरे पास में आए हैं पिता, विशेषकर जिन्होंने आज आपकी ओर दृष्टि किया है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। कहा प्रभु जी, हे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद के साथ मैं मांगता हूँ प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ आज मैं कहता हूँ मेरे परमेश्वर कि आज जिन्होंने प्रभु सचमुच में पिता वो बुरी से बुरी ऐसी समस्या में फंसा है प्रभु जी, लेकिन आज की सुंदर सुबह की प्रार्थना प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद के साथ, आज मैं कहता हूँ उनके जीवन में प्रभु, उनके परिवार मेरे परमेश्वर पिता, विशेषकर आज की सुंदर शाम की प्रार्थना जिस प्रकार हमको संभाल कर रखा पिता, एक नई भोर और एक नई सुबह को दिया, उसके कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उसके हम कोटि कोटि तरह धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यस 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 यस। ओ चंगा करने वाला परमेश्वर, बचाने वाला प्रभु जी, शांति देने वाला मेरे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह की प्रार्थना में हम प्रभु मॉर्निंग प्रेयर में तेरे पास में आते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा मेरे प्रभु जी, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो भोर के तड़के यत्न है, जो मुझे ढूंढता है वह मुझे पाता है, परमेश्वर वचन बताता है मेरे प्रियजनों। इसलिए अगर आप जहां भी हैं और जिस भी परिस्थिति में है, जैसी भी परिस्थिति में है, और इस समय परमेश्वर को याद कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो वो जिंदा परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि बेटा चिंता मत कर, आज मैं तेरी सारी बातों को मैं जानता हूँ, आज मैं तेरी सारी प्रार्थना को सुनूंगा, आज मैं तेरी सारी चिंताओं को दूर करूंगा, कह रहा है परमेश्वर वचन। हालेलुया। केवल केवल तू प्रार्थना कर, केवल तू प्रभु से मांग, केवल तू प्रभु से बातचीत कर, सब कुछ आज तेरे लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं स्वर्ग से उपाय करूंगा, वो स्वर्ग से तेरे लिए मार्ग रास्ता खोलूंगा कह रहा है। हालेलुया। हर एक प्रकार के प्रभु जी दुख और परेशानियों को आज मैं टिकने नहीं दूंगा, लेकिन आज की सुंदर सुबह की प्रार्थना एक नए उमंग को परमेश्वर लेकर आएगा, एक नई बरकत और आशीष को लेकर आएगा, वो खुशियों के आनंद आपकी जीवन में जाएगा, वो आशीष का जीवन आपकी जीवन में आ जाएगा, वो परमेश्वर पिता शांति से भरा जीवन आपको देगा, आनंद से भरा जीवन आपको परमेश्वर देगा। लेकिन आपको कई बार क्या होता है मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचनों पर, परमेश्वर की आज उसकी एक एक बातों पर आपको जो है भरोसा नहीं रखते आप, लेकिन आज धीरज के साथ जो व्यक्ति बाट जोहेगा, धीरज के साथ जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा, और धीरज के साथ जो व्यक्ति प्रभु से मांगेगा, यीशु मसीह आज वो खुदा परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो सारे इच्छा सारे जरूरत परमेश्वर की ओर से पूरा होते हुए देखने पाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यस 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 यस, प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। यीशु बापा धन्यवाद, यीशु बापा धन्यवाद, परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद, महिमा के योग्य प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता सचमुच में पिता, बड़े भूख और प्यास के साथ हर एक बेटा बेटी जो तड़प रहे पिता, जो गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, पश्चाताप कर रहे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह की नासरी के नाम से, ओ आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, ओ आज मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के नाम से, आज की सुंदर प्रार्थना प्रभु जी, आज के सुंदर सुबह की प्रार्थना प्रभु जी, आज एक एक बेटा बेटियों के लिए, एक एक प्रिय जनों के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में, ओ परमेश्वर पिता के वचन के सामर्थ्य के द्वारा, हे प्रभु आज स्वर्ग के झरोखे खुल जाए, ओ पवित्र आत्मा आज आशीष के मार्ग खुल जाए, ओ शांति के मार्ग खुल जाए, ओ चिंताएं दूर होने लगे, ओ परेशानियां दूर हटने लगे, ओ समस्याएं जाने पाए, समस्या जाने पाए, ओ गरीबी का बंधन, श्राप का बंधन आज टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, यस 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 यस। प्रियो आज प्रार्थना करो, प्रियो आज प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो 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 मांगो, यस 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 यस। आज हर एक बेटा बेटी, आज हर एक प्रभु मसीह भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु से कहो कि प्रभु तू मेरा सर्वस्थान और बल है, ओ तू मेरा चट्टान और ढाल है, परमेश्वर पिता के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आज हर एक अंधकार की शक्तियों को आज यीशु के लहू में जलाकर राख करते हैं, ओ यीशु के लहू में हम इसी वक्त जलाकर राख करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में ग्रहण योग होने पाए, आज सारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में ग्रहण योग होने पाए, और प्रभु जी प्रार्थना करते ही सारे लोगों के जिंदगी में वो परिवर्तन आने पाए पिता, वो प्रार्थना करते ही सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आने पाए प्रभु जी, वो ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से आशीष और शांति को देने वाला है, वो परमेश्वर स्वर्ग से खुशियों को देने वाला है, वो स्वर्ग से आनंद और शांति को परमेश्वर देने वाला है। तू डर मत, केवल तू प्रार्थना कर, केवल कई
बार आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंता करते हैं, मुसीबत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह से अगर आप बात करेंगे, यीशु मसीह से मांगेंगे, यीशु मसीह से सारी बातों को रखेंगे, तो पिता परमेश्वर वो स्वर्ग से आशीष देगा, वो स्वर्ग से बरकत को देगा, स्वर्ग से शांति और आनंद को देगा, वो खुशियों से भर देगा, वो चिंताओं को दूर करेगा, वो मुसीबतों को दूर करेगा। तू डर मत, आज केवल विश्वास के साथ बात न कर। कई बार क्या होता है, आप अपने समस्या को अपने अपने माता पिता को बताने की कोशिश करते हैं, अपने पड़ोसी को बताने की कोशिश करते हैं, अपने हो सकता है आप जो अपने बेटा और बेटियों को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना को, आपकी बात को कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता। लेकिन आज प्रभु यीशु कह रहा है कि बेटा तू मुझे बता, मैं तेरे सारी चिंता को, मैं तेरे सारी बातों को, आज मैं तेरे सारे दुख को, आज मैं तेरी आज बातों को, जो जो सोच विचार रखा है, जो सोचे हो, वो सब बातों को मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ तेरे जीवन में, कह रहा परमेश्वर वचन। आज प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा, ओ प्रभु का आशीष आपके जीवन में काम करेगा, ओ पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी को बदल देगा, ओ पवित्र आत्मा आपके डर और भय को दूर करेगा, ओ पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, ओ पवित्र आत्मा आपके जीवन को काम करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, आप जो है मेरे प्रिय प्रार्थना करते करते आप जो है आपका मन इधर उधर भटक जाता है, जिसके चलते आप जो है कहीं आप लोभ लालच में जो है कई प्रकार की बातों को, कई प्रकार की चिंताओं, कई प्रकार की मुसीबतों, कई प्रकार की समस्याओं को आज अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन आज प्रभु से कहने, प्रभु मैं जो कुछ भी हूँ तेरे ही आज मैं तेरे ही बिगड़ में आज हूँ, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे तो आज वो परमेश्वर आपसे कहेगा, सचमुच में मेरा बेटा, मेरा बेटी सचमुच में मेरी बातों पर, मेरे वचनों पर, मेरे जो है सारे इच्छाओं पर चल रहा है। मेरे प्रियजनों, कई बार क्या होता है, आप अपने अपने मनमानी करने लगते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई, आज अगर प्रभु परमेश्वर से आज आपको आज आशीष पाना है, बरकत पाना है, खुशियों को पाना है, शांति और आनंद को पाना है, तो प्रभु यीशु मसीह से आज आपको कह रहा है कि बेटा विश्वास के साथ प्रार्थना को सुन, सब कुछ तेरे लिए बदल जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा, सब कुछ तेरे आज उपाय करेगा, सब कुछ तेरे आज परमेश्वर संभव करेगा। विश्वास के साथ जो भी बात करेगा वो आज जल्द से जल्द तेरे इच्छाएं और मर्जी को परमेश्वर पूरा करेगा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटियों को, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के जनों को, आज कितनों भी परेशानी आया, कितनों भी दिक्कत आया, कितनों भी मुसीबत आया, लेकिन उस मुसीबत में, उस परेशानी में, उस समस्या में प्रभु यीशु मसीह आज किसी को पड़े रहने नहीं दिया, लेकिन वचन के सामर्थ्य के द्वारा, ओ लेकिन वचन के सामर्थ्य के द्वारा सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल रहा है, ओ सारे समस्याओं को बदला है, ओ सारे कष्टों को दूर किया है, ओ सारी मुसीबतों को दूर किया है। इसलिए डर मत, प्रभु से प्रार्थना कर, सब कुछ आज संभव हो जाएगा, ओ सब कुछ आज बदल जाएगा, सब कुछ तेरे जीवन में आज आशीष और बरकत को लेकर आएगा, सब कुछ आज परमेश्वर तेरे उपाय करेगा, सब कुछ तेरे लिए परमेश्वर आज रास्ता मार्ग खोलेगा। कई बार क्या होता है, आप घर बनाते हैं और मेरे प्रभु कई प्रकार के तरह तरह की बातों को सोचते और विचारते हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि बेटा तू निश्चिंत रह, आज जो काम करने के लिए शुरुआत किया है वो काम में मैं तुझे सफलता दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे उस मार्ग में चलाऊंगा जिस मार्ग में तू चलना चाहता है, उस मार्ग में मैं लेकर चलूंगा जिस मार्ग में तू जाना चाहता है। हालेलुया, 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 यस ग्लोरी जीसस। परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, वो सारे अंधकार की शक्तियाँ, वो सारे अंधकार की ताकत आज यीशु के लहू में जलकर राख हो जाने पाए, ओ यीशु के लहू में जलकर राख हो जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सारे बंधन टूटने लगे, ओ सारे समस्या हटने लगे, ओ सारे मुसीबतें आज यीशु के नाम से जाओ, ओ यीशु के नाम से छोड़ो, यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता की वो बेटी है, परमेश्वर पिता का जन है, यीशु मसीह का जो है जन है वो, इसलिए तू चिंता मत कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रभु से मांग मांग मांग, सब कुछ आज मिलने वाला है। जो सोचेगा वही होगा, जो बोलेगा वही होगा, जो तेरे लिए आज परमेश्वर उपाय किया है वही तेरे जीवन में आज पूरा होने वाला है। यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक बेटा बेटियों को, लड़का हो चाहे लड़की, स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, आज यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तेरे निकट हजार और तेरे दाहिने दस हजार गिरेंगे परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा, लेकिन तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। और परमेश्वर वचन कह रहा है, आज तुझे कह रहा है, मैं उस महासंकट से, उस महारोग से, उस महामारी से तुझे बचाऊंगा, तो निश्चय ही आज परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त करेगा, तुझे सफलता ही सफलता मिलेगा, वो मुश्किल से परेशानी आज आपके जीवन से दूर हो जाएगा, वो कठिन से कठिन परिस्थिति परमेश्वर आपके आपके ऊपर से मेरे प्रभु दूर करेगा, आपको वो मुसीबत वो परेशानी, वो कष्ट और वो समस्या आपके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन आज वचन के सामर्थ्य द्वारा अपने बड़े आशीष को देखने पाएंगे, अपने
अपने सामर्थ को अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से देखने पाएंगे। यीशु मसीह आपको जो है उठाएगा, यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा, यीशु मसीह आपके लिए मार्ग खोलेगा, यीशु मसीह आपके लिए रास्ता खोलेगा, यीशु मसीह आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हो सकता है आप समस्या में है, हो सकता है आप बीमारी में है, हो सकता है आप गरीब में जीवन यापन कर रहे हैं, हो सकता है आप समस्या के ऊपर समस्या ही आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन पिता आपको कह रहा है कि बेटा स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैर की चौकी कह रहा है। तू आज चिंता मत कर, आज परमेश्वर से मांग, सब कुछ आज मिल जाएगा, सब कुछ तेरे लिए हो जाएगा, सब कुछ आज तेरे जीवन में आज परमेश्वर काम करेगा। तू डर मत, केवल विश्वास के साथ मांग, सब कुछ परमेश्वर तेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ओ यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, हर एक बेटा बेटियों की जिंदगी के लिए प्रभु, हर एक बेटा बेटियों के परिवारों के लिए पिता, आज वो सारी समस्या यीशु के लहू में जलकर राख हो जाए। ओ यीशु के लहू में जलकर राख हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तू ब्लेस कर प्रभु जी, और ताकि हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियां, ताकि हर एक प्रकार के अंधकार की युक्तियां मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आज दूर हटने पाए प्रभु के नाम से। हालेलुया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने सारे लोगों की विनती प्रार्थना निवेदन पुकार गिरगिराहट आपने सुना है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक जन की प्रार्थना को सुना, हर एक जन की दुआ को सुना है, गड़गड़ाहट को सुना है, पुकार को सुना है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और ये प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन आमेन, 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 आमेन।